समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न एक, इनमें से किसने पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया? ए इंदिरा गांधी, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी निर्मला सीतारमण और डी स्मृति ईरानी। इसका सही उत्तर है सी निर्मला सीतारमण। दो, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक अंशुला कांत विश्व बैंक, दो गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीन किरण मजूमदार शो बायोकॉन लिमिटेड, चार अरुंधति भट्टाचार्य विप्रो लिमिटेड, ए केवल एक और दो, बी केवल एक दो और तीन, सी एक दो तीन और चार और डी केवल दो। इसका सही उत्तर है सी एक दो तीन और चार। प्रश्न तीन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस वर्ष के बजट में घोषित की गई? ए 2015-16, बी 2016-17, सी 2018-19 और डी 2019-20। इसका सही उत्तर है डी 2019-20। प्रश्न चार, नई शिक्षा नीति 2019 तैयार करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन रहा है? विकल्प हैं ए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष, बी प्रोफेसर सुखदेव थोराट यूजीसी के भूतपूर्व अध्यक्ष, सी प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी भूतपूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री और डी प्रोफेसर वेद प्रकाश यूजीसी के भूतपूर्व अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष। प्रश्न पांच, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता रिपोर्ट 2019 के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए भारत में बहुआयामी निर्धनता के स्तर को 2005-06 में 55.1% से घटाकर 2015-16 में 27.9% के स्तर पर ले आने की सफलता प्राप्त हुई है। दो, भारत में बहुआयामी निर्धनता की तीव्रता 2005-06 में 51.5% से घटकर 2015-16 में 43.9% ही हो पाई है। और तीन, पोषण से वंचित आबादी का स्तर 2005-06 में 44.3% से घटकर 2015-16 में 21.2% हो गया है। और चार है, बाल मृत्यु क्रम 4.5% से कम होकर 2.2% ही रह गया है। इसके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार से हैं, ए है केवल एक और दो सही है, बी केवल तीन एवं चार सही हैं, सी केवल एक दो तीन सही हैं और डी एक दो तीन और चार सही हैं। इसका सही उत्तर है डी एक दो तीन और चार सही हैं। प्रश्न छह, नोवाक जोकोविच ने 14 जुलाई 2019 को खालिस्तान को पराजित कर पांचवी विंबलडन खिताब तथा 16वां बड़ा खिताब जीता। ए रोजर फेडरर, बी राफेल नडाल, सी केविन एंडरसन और डी डोनेट थीम। इसका सही उत्तर है ए रोजर फेडरर। प्रश्न सात, इनमें से किस केंद्रीय मंत्री के पद पर कभी भी पूर्णकालिका महिला मंत्री पदासीन नहीं रहीं? ए वित्त मंत्री, बी गृह मंत्री, सी रक्षा मंत्री और डी विदेश मंत्री। इसका सही उत्तर है बी गृह मंत्री। आठ नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था को 2025 तक 5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आर्थिक समीक्षा 2018-19 में वास्तविक जीडीपी विकास दर कितना होने की अपेक्षा की गई है? ए 7%, बी 8%, सी 9% और डी 10%। इसका सही उत्तर है बी 8%। नौ, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही इनमें से कौन सी योजना लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सर्वाधिक कामयाब सिद्ध हुई है? एक स्वच्छ भारत मिशन, दो प्रधानमंत्री जनधन योजना, तीन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार से हैं, ए केवल एक दो और तीन, बी केवल तीन, सी केवल तीन एवं चार और डी एक दो तीन और चार। इसका सही उत्तर है ए केवल एक दो और तीन।
प्रश्न 10, व्यवहार अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का अनुप्रयोग इनमें से किस मुद्दे में किया गया है? ए लिंग समानता, 2 स्वस्थ और सुंदर भारत मित्र व्ययिता, 3 कर अनुपालनात्मकता, 4 ऋण गुणवत्ता। इसके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार से हैं, ए केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 और 4 और डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। 11 नंबर, इनमें से किस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण अर्थात डीबीटी व्यवस्था के अंतर्गत किए जा रहे हैं? 1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 3 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और 4 छात्रवृत्तियों का भुगतान। इसके विकल्प हैं ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2, 3 और 4 और सी केवल 4, डी है केवल 2 और 4। इसका सही उत्तर है बी केवल 1, 2, 3 और 4। प्रश्न 12, हाल के वर्षों में चीन तथा पूर्वी एशिया में विद्यमान उच्च समृद्धि दर को केवल हितकारी जनांकीय चरण द्वारा उत्प्रेरित तथा समर्थित खालिस्तान द्वारा एक विकास मॉडल चलाकर बरकरार रखा गया है। विकल्प ए बचत निवेश और निर्यात के एक सद चक्र, बी उपभोग निर्यात प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सी मानव पूंजी विकास और डी संपोषणीय विकास। इसका सही उत्तर है ए बचत निवेश और निर्यात के एक सद चक्र। 13 नंबर, निजी निवेश मुख्य प्रेरक निवेश है जो 1 मांग क्षमता निर्माण तथा श्रम उत्पादकता में वृद्धि करता है, 2 नई प्रौद्योगिकी आरंभ करता है, 3 ध्वंस की अनुमति देता है और 4 रोजगार का सृजन करता है। विकल्प ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2 और 4 और डी केवल 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1, 2, 3 और 4। 14 नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से इनमें से किस मामले में सर्वाधिक सुधार हुआ है? ए शिशु लिंग अनुपात, बी बालिकाओं में शिशु मृत्यु दर, सी प्राथमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात और डी मानव विकास सूचकांक। इसका सही उत्तर है ए शिशु लिंग अनुपात। पृष्ठ संख्या 150। 15 नंबर, आर्थिक समीक्षा 2018-19 में इनमें से कौन से स्लोगन को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है? ए बेटी हमारा धन, बी बदलाव अर्थात बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, सी माँ बेटी और वैभव और डी बेटी है तो भविष्य है। इसका सही उत्तर है बी बदलाव अर्थात बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। 16 नंबर, अस्थिर आर्थिक जगत में आगे बढ़ने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? 1 स्पष्ट विजन, 2 विजन को हासिल करने के लिए सामान्य रणनीति, 3 अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने के लिए रणनीतियों में लचीलापन तथा उद्यम का समावेश। विकल्प ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1, 2 और 3 और डी केवल 3। सही उत्तर है विकल्प 3 केवल 1, 2 और 3। प्रश्न 17, आर्थिक समीक्षा 2018-19 में एक महत्वाकांक्षी एजेंडे में इनमें से किस अधिगम को प्रयुक्त किया गया है? 1 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अर्थात बीबीबीपी से लेकर बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी बदलाव तक, 2 स्वच्छ भारत से लेकर सुंदर भारत तक, 3 एलपीजी की सब्सिडी छोड़ो से लेकर सब्सिडी के बारे में विचार करूं तक और 4 करों के अपवचन से करों के अनुपालन तक। विकल्प ए केवल 1 तथा 2, बी केवल 3 तथा 4, सी केवल 1, 2 और 3 और डी केवल 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है डी केवल 1, 2, 3 और 4। प्रश्न 18, सूची 1 अर्थात योजना तथा सूची 2 अर्थात शुभारंभ किए जाने का स्थान पर विचार करके दिए गए कोटों में से सही विकल्प चुनिए। सूची 1 ए मनरेगा, बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी उज्ज्वला योजना और डी पीएम किसान। सूची 2 1 पानीपत हरियाणा, 2 गोरखपुर उत्तर प्रदेश, 3 बदलापल्ली
अनंतपुर जनपद आंध्र प्रदेश और 4 बलिया उत्तर प्रदेश। इसके जो कूट हैं वो इस प्रकार से हैं: A1, B2, C3, D4, B, A3, B1, C2, D4, C, A3, B1, C4, D2 और D है A1, B3, C4, D2। सही उत्तर है C, A3, B1, C4, D2। प्रश्न 19। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 1. जुजाना कैपुटोवा, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति। 2. अंशुला कांत, विश्व बैंक समूह में प्रबंध निदेशक सह चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। 3. क्रिस्टीन लेगार्डे, अध्यक्ष यूरोपीय केंद्रीय बैंक। 4. गीता गोपीनाथ, प्रमुख अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके जो कूट हैं, जो विकल्प हैं, वो इस प्रकार से हैं: A, केवल 1, B, केवल 2 और 4, C, केवल 2, 3 और 4 और D, 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है D, 1, 2, 3 और 4। प्रश्न 20। इनमें से किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया है? जुलाई 2019 में ए. अरविंद कुमार, बी. सामंत गोयल, सी. प्रभात कुमार और डी. प्रवीण कुमार पुरवार। इसका सही उत्तर है ए. अरविंद कुमार। प्रश्न 21। इनमें से किस योजना की घोषणा 2019-20 के केंद्रीय बजट में की गई है? ए. सेवा भोज योजना, बी. वन धन योजना, सी. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और डी. कुसुम योजना। सही उत्तर है सी. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रश्न 22। इनमें से किस देश ने आईसीसी विश्व कप 2019 पहली बार जीता? ए. न्यूजीलैंड, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. इंग्लैंड और डी. भारत। सही उत्तर है सी. इंग्लैंड। 23 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनमें से किसकी अध्यक्षता में कृषि में सुधार तथा किसानों की आय में वृद्धि हेतु सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्रियों की एक उच्चाधिकार समिति का गठन जुलाई 2019 में किया? विकल्प ए. योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। बी. नवीन पटनायक, मुख्यमंत्री ओडिशा। सी. मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा और डी. देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है डी. देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। 24 नंबर, वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कौन सा है? ए. 141वां, बी. 140वां, सी. 139वां और डी. 138वां। सही उत्तर है ए. 141वां। प्रश्न 25। इनमें से कौन सा एक अनौपचारिक समूह है? ए. ब्रिक्स, 2. रिक, 3. जय, 4. CICA अर्थात किका। विकल्प ए. केवल 2, बी. केवल 3, सी. केवल 2 और 3 और डी. केवल 2, 3 और 4। सही उत्तर है सी. केवल 2 और 3। प्रश्न 26। इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का सदस्य नहीं है? 1. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, 2. इजराइल, 3. चीन, 4. लिश्टोनस्टीन। इसका जो विकल्प है ए. है केवल 1, बी. केवल 1 और 2, सी. केवल 1, 2 और 4 और डी. केवल 3। सही उत्तर है सी. केवल 1, 2 और 4। 27 नंबर, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार कानून बनाने की अवक्षेपित शक्तियां किसमें निहित हैं? ए. भारतीय संसद, बी. राज्य विधायिका, सी. स्थानीय नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं और डी. ये सभी। इसका सही उत्तर है ए. भारतीय संसद। 28 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध कमेटी 1267 द्वारा इनमें से किसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया? विकल्प ए. हाफिज सईद, लश्कर ए तैयबा का मुखिया। बी. मसूद अजहर, आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुखिया। सी. सैयद सलाहुद्दीन, हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया और डी. लुकमान अल बदर का मुखिया। इसका सही उत्तर है बी. मसूद अजहर, आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुखिया।
पृष्ठ संख्या 151।